हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे टीएक्सवी ट्रबल शूट के बारे में। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे टीएक्सवी ट्रबल शूट, तो टीएक्सवी में क्या क्या हमारा फॉल्ट आएगा, तो क्या क्या कॉजेज देखने को मिलेगा सिस्टम में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल ये बना हुआ है, ये कंप्रेसर है, कंडेंसर, ये एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस भी कितने तरह के होते हैं उसका एक अलग वीडियो है, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस, जो उसके अंदर सबका कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस कैसे काम करता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन डिवाइस कैसे काम करता है, तो उसने सब एक्सपेंशन डिवाइस का मैंने एक एक करके बताया है। एक ही वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ टीएक्सवी के बारे में बात करेंगे, टीएक्सवी में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या उसको आपको चेक कर रहे हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा सिस्टम में, तो आप टीएक्सवी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा इधर निकला, ये एवोपरेटर है, ये हमारा सक्शन लाइन है, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। ओके, कंप्रेसर से जो कनेक्ट करा था सक्शन लाइन, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन। तो अभी हम जानेंगे टीएक्सवी। टीएक्सवी कंस्ट्रक्शन बनावट इसका थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, बहुत जटिल होता है। ये हमारा बिलो है और ये पूरा बॉडी है, इसके अंदर ये पुश रॉड होता है। ओके, और उसके बाद ये यॉक है, ये हमारा स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग, और ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक है ना। इसके अंदर पी प्रेशर बेसिकली काम करता है, P1 का प्रेशर, P2 प्रेशर एंड P3 प्रेशर। P1 प्रेशर क्या है, बिलो का प्रेशर, जो इसके अंदर ये जो आप देखने को मिलेगा ना, अभी हम एक वीडियो का एक पिक्चर दिखाएंगे टीएक्सवी आपको, एक्सपेंशन डिवाइस। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जोन सा रेफ्रिजरेंट, जोन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट इसमें यूज किया जाता है। R22 है तो R22 का इसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहेगा एलिमेंट। ओके, ये हमारा P1 का प्रेशर हो गया। P2 प्रेशर सक्शन का जो प्रेशर होता है वो P2 प्रेशर कहलाता है, और P3 जो है हमारा स्प्रिंग प्रेशर, इसलिए इसमें 8 PSI इसका स्प्रिंग प्रेशर होता है, ठीक है। अभी क्या है कि इसका बिलो के ऊपर से एक कैपिलरी ट्यूब के जरिए जो है एक सेंसर लगाया हुआ रहता है, जिसको थर्मल बल्ब बोलते हैं, सेंसर अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ये सक्शन का सबसे आउटलेट में कनेक्टेड किया हुआ रहता है, तो सक्शन का आउट में सबसे जो है यहाँ पर हमको लगभग ऑलमोस्ट 50 डिग्री फारेनहाइट गैस टेम्परेचर हमको मिलता है सिस्टम में। और जब एक्सपेंशन यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री फारेनहाइट होता है, यहाँ लास्ट आते वक्त 50 डिग्री फारेनहाइट के आसपास हो जाता है। ये हीट के ऑब्जर्व करते हुए, चिलर है तो चिलर में अपना एवोपरेटर में क्या घूमता है, पानी घूमता है, तो पानी को ठंडा करता है, तो वो पानी से अपना हीट को ऑब्जर्व करता है और पानी को ठंडा करता है। उसी तरह से अगर एयर है अपना, तो आसपास एटमोस्फेयर का वो जो भी है हीट को लेकर के कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो उसको वो ठंडा करता है और अपने आप रेफ्रिजरेंट को बॉइल कर लेता है। तो यहाँ से टेम्परेचर बॉइल होते हुए यहाँ तक आते आते वो 50 डिग्री फारेनहाइट के आसपास हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर, अगर इसमें बीच में कोई डिफरेंस हो रहा है तो फिर आपको अलग उसमें देखने को मिलेगा, प्रॉब्लम अलग क्रिएट होगा। तो बेसिकली अब हम जानेंगे इसके बारे में कि फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या है, टीएक्सवी बल्ब लूज हो गया या पुअर इंसुलेशन है तो आपको क्या होगा। अभी अगर मान लीजिए टीएक्सवी हम यहाँ अभी एक क्लैंप से पूरा अच्छे से टाइट किया हुआ रहता है, उसको इंसुलेटेड किया हुआ रहता है, तो अगर ये बाय चांस हट गया किसी तरह से, तो हट गया तो क्या है कि आसपास का टेम्परेचर, रिटर्न एयर का टेम्परेचर सेंस करेगा, तो रिटर्न एयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है 50 डिग्री फारेनहाइट से, तो रिटर्न एयर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना, समझ गया। इसके अंदर ये तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का इंटरनल क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर शो कर रहा है, लेकिन जब ये हट जाएगा तो ये बाहर का टेम्परेचर शो करेगा, तो रिटर्न टेम्परेचर कितना मिलेगा, लगभग 75 डिग्री फारेनहाइट, मतलब 23 सेंटीग्रेड में रहेगा। और टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में मेजर करें या फारेनहाइट में मेजर करें वो डिपेंड आपके पड़ता है कि आप किस हिसाब से मेजर करते हैं, तो हमने फारेनहाइट में लिखा। ओके, ये हो गया, तो अभी ये हट जाएगा तो 75 डिग्री प्रेशर अभी यहाँ पे। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हम आपको पहले बताए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर जब 75 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है इसको प्रेशर दबाव पड़ेगा, बिलो के ऊपर जो है इधर ये जो क्रैंक ये रॉड लगा हुआ है, पुश रॉड लगा हुआ है, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो ये जो है गेम जो है और ज्यादा ओपन हो जाएगा, ये वाला सक्शन प्रेशर और स्प्रिंग प्रेशर से प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा अगर इसमें मान लीजिए दबाव पड़ेगा तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेंट उतना ज्यादा इसके अंदर इंटर करेगा, एवोपरेटर में ज्यादा ओपन होएगा। अब अगर इसको मान लीजिए भी क्या है, ये सेंस क्या करती है, हमारा टीएक्सवी कैसे काम करता है, टीएक्सवी हमारा टेम्परेचर पे काम करता है अपना
और सुपर हीट पे काम करता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा क्या है कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा, जब इंसुलेशन हट जाएगा, अगर ये हट गया है यहाँ से तो क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से क्या है कि टीएचबी ज्यादा ओपन करेगा, तो ज्यादा ओपन करने से क्या है, जो हमारा लिक्विड लैंड से रेफ्रिजरेंट आ रहा है ये ज्यादा एवोपरेटर में इंटर करेगा, तो उस स्थिति में ज्यादा एवोपरेटर में इंटर करेगा रेफ्रिजरेंट, तो उसमें क्या होगा कि डिस्चार्ज प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा, सक्शन प्रेशर हमारा हाई होगा, इवेपोरेटर में ज्यादा रेफ्रिजरेंट आएगा तो क्या होगा, सक्शन प्रेशर हाई होगा, और सक्शन प्रेशर जब हमारा हाई होगा तो डिस्चार्ज प्रेशर भी हाई होगा, क्योंकि ज्यादा रेफ्रिजरेंट इसको मिल रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन सुपर हीट लो होगा, सुपर हीट लो क्यों होगा, रीजन ये है कि ज्यादा रेफ्रिजरेंट आने से क्या है कि बॉयल कम होगा, कम रेफ्रिजरेंट ज्यादा बॉयल हो सकता है जल्दी, लेकिन ज्यादा रेफ्रिजरेंट हमारा कम बॉयल होगा, जिसके चलते हमारा सुपर हीट यहाँ पे कम मिलेगा, समझिए, क्यों रेफ्रिजरेंट में उतना रिक्वायर्ड है नहीं, एक्चुअल में इवेपोरेटर में हमें उतना रेफ्रिजरेंट चाहिए नहीं, जरूरत है नहीं, लेकिन ये हमारा ये तो बल्ब हमारा हट गया इसके लेकर के प्रेशर दे रहा है ना, बल्ब हटने के चलते हमारा प्रेशर जो है यहाँ पर दबाव पड़ा, जिसके चलते रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इसके अंदर ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में हमें उतना जरूरत था नहीं, तो क्या होगा कि इसका सक्शन प्रेशर बढ़ेगा, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा, और सुपर हीट जो है हमारा लो हो जाएगा, ओके, और एम्स भी हाई हो जाएगा, एम्स क्यों हाई होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा जाने से क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर को ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, तो ज्यादा दबाव पड़ेगा तो उसको क्या है हाई एम्स देगा, ओके, ये हो गया। दूसरा हमारा टीएचबी लॉस चार्ज हो गया, मतलब कि टीएचबी इसके अंदर जो कैम्बर रहता है ना बहुत पतला रहता है, ठीक है, उसके अंदर पूरा खोखला इसके अंदर रहता है, लेकिन उसके अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, तो अभी क्या है बाई चांस वो मुड़ गया तो क्या होगा कि ये हमारा सेंस काम नहीं करेगा, ये बराबर काम नहीं करेगा, जो भी प्रेशर है वो काम नहीं करेगा, या मान लीजिए किसी तरह से टूट गया ना, इसके अंदर मान लीजिए लीक हो गया कहीं पे, किसी तरह से लीक हो गया, तो लीक हो जाने के सिचुएशन में क्या होगा कि वो हमारा जो सेंस करना चाहिए वो सेंस नहीं करेगा, तो सेंस नहीं करेगा तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ने के बाद भी मान लीजिए 60 हो गया, 60 डिग्री फारेनहाइट हो गया, और मान लीजिए 65 हो गया, लीक हो गया, या इसके अंदर क्या कहते हैं ये टूट गया किस तरह से, या पिंच हो गया, दब गया, तो अभी क्या है कि हमारा जो काम करना चाहिए ये सेंस करके, इसको प्रेशर जितना दबाव जितना रिक्वायर्ड जितना चाहिए उसके हिसाब से इसको काम नहीं करेगा, क्यों, इसके अंदर तो लीक हो गया, अब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है नहीं, या इसके अंदर अगर ये मुड़ गया तो ये काम जो करना चाहिए सेंस से, जो इसका प्रेशर आना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, ठीक है ना, और प्रेशर डाउन होने से टेम्परेचर भी डाउन होता है, अभी यहाँ पे ये कंट्रोल नहीं करेगा, तो इसका मतलब जब ये कंट्रोल नहीं करेगा तो अभी क्या होगा कि हमारा ये सक्शन प्रेशर और ये हमारा स्प्रिंग प्रेशर, ये दोनों प्रेशर हमारा ये बिलो का प्रेशर से, जो सक्शन लाइन का प्रेशर है उसके प्रेशर से इन लोग का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो अभी क्या होगा कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हमारा क्लोज पोजीशन में ले आएगा, क्लोज ले आएगा, तो रेफ्रिजरेंट का जो हमारा इवेपोरेटर में इंटर करना है वो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर में कम इंटर करेगा, ठीक है, तो कम इंटर करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, कम इंटर करने से हमारा सक्शन प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है ना, जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में कम जाएगा तो क्या होगा, सक्शन प्रेशर लो हो जाएगा, और दूसरा सक्शन प्रेशर लो रहेगा तो अभी कम ही रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, पर डिस्चार्ज प्रेशर भी हमको लो मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है सुपर हीट हाई हो जाएगा, अब क्यों सुपर हीट हाई होगा, सुपर हीट हाई होने का रीजन ये है कि इवेपोरेटर में कम रेफ्रिजरेंट रहेगा तो ज्यादा बॉयल हो जाएगा, ज्यादा बॉयल होने से क्या है सुपर हीट हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, अब उसमें क्या है एम्स भी लो लेगा, एम्स भी कम लेगा, एम्स क्यों कम लेगा, क्योंकि कंप्रेसर को रेफ्रिजरेंट कम मिल रहा है तो उसको कंप्रेस कम करना पड़ रहा है, तो ये हमारा टीएक्सबी का ट्रबल शूट, ये कुछ हम आपको बताए कि क्या प्रॉब्लम फॉल्ट आएगा, किस तरह का सिम्टम देखने को मिले, ऑलरेडी हमने बहुत सारा चीलर का ट्रबल शूट के बारे में बताया है कि आपका अगर गैस ज्यादा चार्ज है तो क्या प्रॉब्लम आएगा।